दिनांक 01 दिसंबर 2022। हमारा मुरादाबाद सुनहरा मुरादाबाद बनाना है। मुरादाबाद को GVPS मुक्त मुरादाबाद बनाने के लिए आज प्रातः 8 बजे वार्ड 44 पीतल नगरी गेट से कल्याणपुर सूरज नगर रैली स्कूल के विद्यार्थी के माध्यम से आयोजन हुआ, जिसमें नगर आयुक्त संजय चौहान, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार, सहायक नगर आयुक्त विवेकानंद गंगवार, जोनल सफाई निरीक्षक महेश चंद्र वर्मा, सफाई निरीक्षक सुनील कुमार, विजयपाल, वार्ड 44 पार्षद रानी सैनी, वार्ड 33 पार्षद अंजलि संवेदना टीम IEC, निखिल शर्मा, देवराज, वार्ड 24 पंडित निगला, वार्ड 33 भदोरा द्रौपदी रतन स्कूल मुरादाबाद से साफ सफाई एवं कूड़ा स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध, 75 जिला 75 घंटे 750 निकाय के राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की। इसके अंतर्गत आज शुरू हुए 75 घंटे के अभियान के दौरान सड़क व खाली प्लाटों में कचरा डालने वालों की रेकी करेंगे। जो लोग ऐसे स्थानों पर कूड़ा डालते हैं उन्हें चिन्हित भी करेंगे तथा अभियान में जन सहभागिता के लिए लोगों को अपने आसपास की साफ सफाई बनाए रखने के लिए भी जागरूक किया जाए। नगर आयुक्त संजय चौहान ने कहा, कूड़ा वाले स्थानों की साफ सफाई कर वहाँ पर नेकी की दीवार, सफाई चौकी, सेल्फी प्वाइंट, वर्टिकल गार्डन बनाए जाए। ऐसे स्थानों का सुंदरीकरण कर बैठने के स्थान, बच्चों के खेलने के स्थान बनवाए जाएं। ऐसे स्थानों पर गमले रखवाया जाएं। पार्क व उद्यान भी विकसित कराए जाएं। नगर आयुक्त संजय चौहान ने अभियान की शुरुआत करते हुए नागरिकों से अपील की है कि वे लोग अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों से कूड़ा निकाल कर इधर उधर न फेंके, बल्कि सूखा एवं गीला कूड़ा को अलग अलग कर समय से निकायों को उपलब्ध कराएं, जिससे कि इस कूड़े का सदुपयोग किया जा सके। नगर आयुक्त ने अभियान की शुरुआत में आह्वान किया कि मुरादाबाद को हमारा मुरादाबाद सुनहरा मुरादाबाद बनाना है। उन्होंने कूड़ा स्थलों व गंदे स्थानों को साफ सुथरा बनाकर उपयोगी एवं यादगार स्थानों के रूप में विकसित करने को कहा। नगर आयुक्त ने नगर निगम निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुरादाबाद के सभी छोटे बड़े चिन्हित कूड़ा स्थलों, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को 75 घंटे के विशेष अभियान के दौरान खत्म किया जाए और लोगों के वन्य पर्यावरण को श्रेष्ठ बनाया जाए। मुरादाबाद से अनिल सक्सेना की रिपोर्ट। खासतौर से स्कूल के बच्चे, हमारा समस्त स्टाफ, सफाई मित्र, हमारे सफाई श्रमिक, पूरा स्टाफ को मैं धन्यवाद और बहुत अच्छा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे सक्रिय योगदान दिया। इस योगदान को से ही हम इस अभियान को सफल बना पाएंगे। आप सभी के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच। ये मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल और बाकी जो न्यूज़ पेपर्स हैं उनके माध्यम से ये संदेश आज आपको देना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार और ख़ास तौर से नगर विकास निदेशालय के सौजन्य से 75 जनपदों में और 750 नगरीय निकायों में एक विशेष 75 घंटे का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहर में जो पुराने गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स बने हुए हैं, जहां पे लोग आदतन कूड़ा डाल देते हैं, उनको समाप्त किया जाना है। और सिर्फ समाप्त इस तरह से नहीं करना है कि हमने एक बार कूड़ा उठा दिया, बल्कि उनका हमें पुनर्जीवन करना है, वहाँ सौंदर्यीकरण करना है और ऐसी व्यवस्था करनी है कि ये गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स दोबारा डेवलप ना हो। इसके लिए आज पूरा नगर निगम परिवार, आपने देखा, सड़कों पर है। वार्ड 44 और वार्ड 36 के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके सौजन्य से और यहाँ की जो वार्ड स्वच्छता समिति हैं उनके सहयोग से इस अभियान को चलाया जा रहा है। इसमें स्कूलों के बच्चों के द्वारा, तमाम प्रशिक्षार्थियों द्वारा और शहरवासियों द्वारा भी हमें सहयोग दिया जा रहा है। मैं पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छता को अपनाएं और गंदगी और जो हमारे समाज में गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हमारे मोहल्लों में बने हुए हैं, इनको पूरी तरह से दूर करके हम एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने में अपना सहयोग दें। सर, जो लोग घरों से कूड़ा बाहर फेंक देते हैं उनसे क्या अपील करना चाहिए? देखिए, प्रथमतः तो हम उनसे अपील ही कर सकते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक के होने का परिचय दें। स्वच्छता किसी एक का विषय नहीं है, स्वच्छता एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके बावजूद जो लोग इसको नहीं मानेंगे तो फिर उसके लिए अन्य प्रावधान हैं। अगर लोग अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे और शहर को गंदा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे।